और मुझे ना बहुत ज्यादा कमेंट मैसेज आते हैं कि किसी ने 50,000 खा लिया, किसी ने 1 लाख खा लिया, बहुत सारे पैसे खा लिए हमारे, अभी तक कोई वीजा नहीं आए, ऐसे बोलते मैसेज करते रहते हैं मुझे। 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। हेलो, कैसे हो आप लोग? आज मैं आ गई एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है फेक एजेंट से बचो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज और कमेंट आते हैं कि दीदी हमें बहुत ज्यादा फेक एजेंट्स ने पैसे खा लिए, ऐसे वैसे मैसेज कमेंट करते हैं। मैं आज के सभी मैसेज और कमेंट के रिप्लाई करूंगी आप लोगों को। अभी ना वो साइप्रस जाने के लिए, साइप्रस भेजने के लिए बहुत सारे एजेंट बन रहे हैं, चाहे मर्जी कोई भी हो एजेंट बने फिरे पड़े हुए, तो उन लोगों से आप लोग बचे प्लीज। और मुझे ना बहुत ज्यादा कमेंट मैसेज आते हैं कि किसी ने 50,000 खा लिया, किसी ने 1 लाख खा लिया, बहुत सारे पैसे खा लिए हमारे, अभी तक कोई वीजा नहीं आए, ऐसे बोलते मैसेज करते रहते हैं मुझे। 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी तक वीजा नहीं आ रही है दीदी, क्यों नहीं आ रही है, पूछते रहते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने फेक एजेंट के लिए, एजेंट थे इसलिए पैसे खा गए होंगे, अभी तक तो वीजा आना चाहिए था। ज्यादातर तो वो लोग हैं जो साइप्रस में रह रहे हैं और इंडिया नेपाल में रहने वाले लोगों को ये बोलते हैं कि मैं वीजा लगा दूंगी, आ जा, ये बोलते हैं ना, तो वो लोग पैसे खा जाते हैं। पहले बोलते हैं कि मुझे 50,000 या 1 लाख दे दो और फाइल का प्रोसेस शुरू करूंगी बोलते हैं, और उसके बाद वो वीजा नहीं लगाते, कुछ भी करते नहीं है और पैसे खा जाते हैं। वो लोग जब बोलते हैं ना तो 8-9 महीने तक वीजा नहीं आता है, पर इतना टाइम नहीं लगता है वीजा के, बस 3 मंथ या फिर 2 मंथ ही लग जाता है वीजा के लिए। और आप लोगों को ना वो ज्यादातर बहाने बनाते रहते हैं कि छुट्टियां चल रही है, कोई गवर्नमेंट की छुट्टी है, ये वो बोल के बहाने करते रहते हैं, आ जाएगा बोल के रहते हैं, पर उन्होंने कुछ किया होता नहीं है। इनका ना इधर को ज्यादातर छुट्टियां ना फिर क्रिसमस या फिर क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक होता है या फिर ईस्टर में होता है, होती भी है ना, तो 1-2 दिन का छुट्टी होता है, इतना होता नहीं जितना वो बोलते है कि ये छुट्टियां चल रही है, वो छुट्टियां चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब न्यू ईयर और क्रिसमस चल रही हो, ईस्टर चल रही हो, तभी होता है 2-3-4 दिन की छुट्टी है। ईस्टर का फेस्टिवल कब होता है आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लो। आप लोग ना वीजा सोच समझ के लगाया करो कि देख लेना पहले कि वो फेक है कि अच्छा है, वो पहले देख कर ही वीजा लगाना और पैसा दे देना। पैसे तो पहले कभी देना भी मत, कोशिश करो कि अपने सिटी में से ही वीजा लगाया करो, जिसका ऑफिस है, जो जाना पहचान हो या फिर नजदीक हो, जो आप लोग कुछ कर सकते हो। और इसलिए कि आप सिटी में होंगे तो आप उनको बार बार जाके पूछ सकते हो, और कुछ भी हुआ तो एक्शन कर सकते हो, कि उनको बोल सकते हो क्यों नहीं आ रही है ना, पास में होगा तो इजी हो जाएगा। जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो खुद ही स्टूडेंट या फिर काम पे वर्क परमिट के लिए आए होते हैं, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट और कोई राइट होता नहीं कि वो उनको बुलाए। कोई कोई होता है, अगर भरोसा मन का हो आपके फैमिली में से, अपने सिस्टर ब्रदर को, तो फिर आप कर सकते हो। और जो पैसे देने के बाद ना वो लोग सिम बंद कर देते हैं, फिर आप लोग पूछते हो, बोलते हो कि दीदी क्यों अभी तक वीजा नहीं आ रही है, अभी तक क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा पूछते हो फिर, क्योंकि आप लोगों को पहले से सोच समझ कर करना चाहिए होता है ऐसा। बाद में वो लोग सिम बंद करते हैं और फोन बंद करके रख लेते हैं, बाद में आप लोगों का वीजा आता नहीं है और आपके पैसे वेस्ट हो जाता है। मेरे को भी कितने मैसेज आए हुए है, मैंने इस साइटों में स्क्रीनशॉट करके दिखाया हुआ है, ये साइट में लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे मैसेजर्स करते हैं मुझे। मैंने ना उनके नाम हाइड कर दिया ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने हाइड कर दिया, और आप लोग कमेंट और मैसेज पढ़ सकते हो सर। सो आज का वीडियो यही था। और अपना ना पैसा और जो भी वो है ना संभाल के किया करो, जैसे कोई भी फालतू के लोगों से मैं ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा बोल के ही, ऐसे बातें सुन के कुछ गलत मत किया करो, सोच समझ के किया करो। सो आज के लिए इतना ही था वीडियो, मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।